ये मैं आकिब खान, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया अजमेर रॉयल्स क्रिकेट क्लब की तरफ से और टर्निंग पॉइंट क्रिकेट अकेडमी की तरफ से, सपोर्टेड बाय कोहली स्पोर्ट्स। ये टूर्नामेंट जो है 22 से 27 तारीख तक चला गया और इसका आज फाइनल मैच खेला गया एक्सीलेंस वर्सेस राइजिंग स्टार के बीच। इसके अंदर जो विजेता टीम रही वो रही राइजिंग स्टार और एक्सीलेंस ने 20 ओवर के अंदर 112 रन बनाया और ये मैच जीता राइजिंग स्टार ने आज का। और ये ट्रॉफीज़ वगैरह सब सपोर्टेड गई है कोहली स्पोर्ट्स की तरफ से, एलिमेंट जिंक की तरफ से हमें सपोर्ट मिला काफ़ी। और ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक मौका था अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि अंडर 14 के बच्चों के टूर्नामेंट नहीं होते हैं, ये अंडर 14 के बच्चों के लिए एक टूर्नामेंट कराया गया। और हमने वुमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हर एक टीम में 2 प्लेयर अलाउड किए थे, जो वुमेंस उनके लिए कोई एज कैटेगरी नहीं थी, कोई भी वुमेंस प्लेयर खेल सकती थी। आकिब खान, अजमेर रॉयल क्रिकेट क्लब द्वारा अंडर 14 टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जो 5 दिवसीय टूर्नामेंट था जिसका आयोजन आकिब खान द्वारा किया गया और बहुत ही सफल आयोजन रहा। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया, जिसने फाइनल के अंदर राइजिंग स्टार इसमें विजेता रहा। और अंडर 14 का टूर्नामेंट एक अजमेर के लिए बहुत अच्छा लेवल है, जिससे फ्यूचर के लिए अजमेर की टीम जो भी सीनियर लेवल पर रहेगी उसके लिए एक न्यू का काम करेगा ये टूर्नामेंट। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अफरोज़ खान, रणजी।